ठीक है, बबल्स आ गए हैं और वोल्टेज देखिए आप 15.5। तो ये ओवर चार्जिंग की ओर जा रही है बैटरी, ठीक है। ओके दोस्तों, वेलकम माई यूट्यूब चैनल अगेन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बता रहा हूँ, देखिए कि किस तरीके से बिना किसी मीटर, बिना किसी भी जो है डिवाइस के, ठीक है, बिना किसी भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के हम कैसे पता करेंगे कि हमारी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो को पूरा देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिना किसी मीटर की हेल्प से कैसे पता करेंगे कि बैटरी फुल चार्ज हो गई है, वो मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूँ। हो सकता है कि काफ़ी लोगों को इस ट्रिक के बारे में पता हो। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप लोग को क्लियर करने के लिए मैं सबसे पहले आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि बैटरी देखिए 4.4 वोल्ट यानी फुल वोल्टेज तक पहुँच गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, फुल वोल्टेज तक पहुँच चुकी है। और उसके बाद अब हम कैसे जज करेंगे कि देखिए फुल हो गई, अभी तो इसमें मीटर लगा है, वोल्टेज हमें शो हो रही है। मान लीजिए हमें वोल्टेज शो करने के लिए कोई भी मीटर नहीं है, एनालॉग मीटर नहीं है, हमारे पास डिजिटल मीटर नहीं है, ठीक है, इस तरीके का LED इंडिकेटर भी नहीं है। तो आइए दोस्तों मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखिए उसके लिए सबसे पहले मैं इसको चार्जिंग पर लगा करके ही दिखाऊँगा एक्सटर्नल डिवाइस से, ठीक है। तो देखिए ये मेरे पास इस समय आप देख सकते हैं 8 एम्पियर यानी 8 एम्पियर्स का ब्रिज रेक्टिफाइड, आप देख सकते हैं, देखिए ब्रिज बना रखा है मैंने अच्छे से इसमें, और ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू यहाँ पर मैं, ठीक है, DC को दे रहा हूँ लगभग 13.9 के अराउंड, ठीक है, लगभग 14 ही होती है वो, 13.9 वोल्ट्स के अराउंड DC इसमें दे रहा हूँ बैटरी में, और लगभग 6-7 एम्पियर आएंगे, वो अभी हम मेज़र करते जाएंगे, ठीक है, और मैं आप लोग को फिर दिखाता हूँ। तो देखिए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, केवल आप लोग को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्लैंप ऑन मीटर लगा दिया है जो कि हमें एम्पियर बताएगा, ठीक है। चार्जर में इंडिकेशन आ चुका है, मैं कर रहा हूँ कनेक्ट, ये अब मैं इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ ये वाला वायर, ज़्यादा देर के लिए नहीं कनेक्ट करूँगा, केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखिए तो मैंने ब्लैक वायर टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, एम्पियर देख लीजिए, ठीक है, लगभग 4 एम्पियर के, 4.5 एम्पियर के अराउंड यानी 4 to 4.5 amps जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मेन चीज़ अब शुरू होती है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे, क्योंकि बैटरी जब चार्ज हो रही है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो बहुत सेफ्टी के साथ दूर से जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा जो बैटरी के यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बैटरी का ये हमारे पास, लेट मी फोकस फर्स्ट, ठीक है, ये देखिए जो बैटरी का ये चैम्बर है, मैंने ओपन कर दिया इसके इसको, ठीक है, सेल का, एक सेल का पोर्ट ओपन कर दिया है। अब देखेंगे कि अगर ये बैटरी फुल चार्ज है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बबल बनेंगे, देखिए, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, बबल्स बहुत ज़्यादा बनेंगे, ये आप देख सकते हैं, और इसका मतलब है कि बैटरी 14.4 वोल्ट्स क्रॉस कर गई है और वो फर्दर उसके ज़्यादा यानी ओवर चार्ज में जा रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ये देखिए एक बार दिखाता हूँ और साथ ही साथ वोल्टेज भी दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है, बबल्स आ गए हैं और वोल्टेज देखिए आप, ये देखिए वोल्टेज 15.5, तो ये ओवर चार्जिंग की ओर जा रही है बैटरी, ठीक है। तो मैंने क्लिप को हटा दिया, क्लैंप को, तो देखा आपने दोस्तों कितना इजी तरीका है बिना किसी डिवाइस के जज करने का, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं दोस्तों, ठीक है, अब कंडीशंस यहाँ पर क्या हैं, ठीक है, ये है कि एक तो हमारे पास जो लेड एसिड बैटरी है, ठीक है ना, केवल उसी का हम यहाँ पर फुल चार्जिंग को मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके पोर्ट को, हर एक सेल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम यहाँ पर जज कर सकते हैं। लिथियम आयन बैटरीज या फिर हम कह सकते हैं फर्दर निकल कैडमियम बैटरीज या फिर सील बैटरीज को जज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कैप ओपन करके ये देख लें आप कि बबल कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, दो ही कंडीशन में बहुत ज़्यादा बैटरी में बबल बन सकते हैं, ठीक है। एक कंडीशन ये होगी कि बैटरी ओवर चार्ज हो रही है, मतलब फुल चार्ज हो चुकी है, उससे ज़्यादा चार्ज होती जा रही है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि आप उसे बहुत ही ज़्यादा करंट से चार्ज कर रहे हैं,
करंट चार्जिंग की रेटिंग यानी करंट कितना देना है बैटरी को वो क्लियर होता है उसकी कैपेसिटी से। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैटरी 32 दे सकते हैं 32 आर यानी 32 AH 32 AH की बैटरी है। तो इसमें आप 3.2 इसका 10% ठीक है, तो 3.2 यानी 3 एम्पियर से लेके और 4 एम्पियर तक दे सकते हैं ठीक है। 4 एम्पियर तक इस बैटरी में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप मान लीजिए आप इसको 8 एम्पियर या 10 एम्पियर देने लगते हैं तो भी एसिड बॉयल हो जाएगा ठीक है, वाटर इसमें बॉयल हो जाएगा और आप जज ही नहीं कर पाएंगे कि आपकी बैटरी बॉयल हो रही है तो वो उसकी वोल्टेज मेंटेन रह रही है या नहीं ठीक है। तो प्रॉपर एम्पियर प्रॉपर वोल्टेज पर बैटरी को चार्ज करना है। अब जैसे ये बैटरी का केस मैं आप लोग को बताऊं तो इसे हमें हमेशा 14.4 वोल्टेज मैक्स हमें देनी है चार्जिंग के लिए ठीक है, और मैक्सिमम करंट 4 एम्पियर तक दे दीजिए। 4 एम्पियर के बिलो ही अगर आप रखें तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट बैटरी को होता है ठीक है, बैटरी की लाइफ साइकिल लाइफ स्पान हमेशा बरकरार रहेगा ठीक है, 3 साल 4 साल बहुत आराम से आपकी बैटरी आपकी जो है पूरी मदद करेगी। तो इस तरीके से वीडियो है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब की दोस्तों, कोई भी कमेंट में आप बता सकते हैं अपने मन की बात कि किस टॉपिक को वीडियो चाहिए, कोई भी फर्दर डाउट मैं क्लियर करूँगा दोस्तों। जब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।